तो हेलो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैक यूटिलिटी में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको दो तरीके बताएंगे, दो तरीके से करके दिखाएंगे, ठीक है, करके दिखाएंगे मैक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कैसे करोगे, सक्सेसफुली अपने सिस्टम में रन कैसे करोगे। क्योंकि एक तो एनीडेक्स में करेंगे, ठीक है, जो जिसका प्रॉब्लम आ रहा है, और दूसरा जो है खुद का, हम जो इंस्टॉल किए थे, इस वीडियो को देखे थे आपने, जो इंस्टॉल करके दिखाए थे कि इसे मैक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कैसे सक्सेसफुली इंस्टॉल करें, तो उसे हम अनइंस्टॉल कर देंगे, मतलब डिलीट करेंगे, फिर इंस्टॉल करेंगे दूसरे तरीके, मतलब डी ड्राइव में। इसमें सी ड्राइव बताए थे आपको, लेकिन इस बार डी ड्राइव में बताएंगे और आसान तरीका बताएंगे, बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये भी बता देना चाहते हो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और भी इसी तरह की जानकारी आपको लगातार मिलते रहेगा। जैसे कि इस वीडियो जिस दिन बनाए थे, डाले थे, उस दिन आपको हम दिखा देते हैं, हम अपने यूट्यूब पोर्टल में आते हैं और रिफ्रेश करके दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए, हम रिफ्रेश कर देते हैं कंटिन्यू, तो ये जो एक पॉपअप खुलने वाला था, जो सिग्नल देता है जिसमें 20 सितंबर से पहले इंस्टॉल कर लो, वो पॉपअप यहाँ देखने को नहीं मिलता है, मतलब ये सक्सेसफुली होता है। अगर आपका प्रॉब्लम है, नहीं हो रहा है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम किसी का इंडेक्स में लेके रखे हैं। यहाँ देख सकते हो, हम इसका वाला रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ एक पॉपअप खुलेगा। चलिए हम कंटिन्यू में क्लिक करते हैं और यहाँ एक देखोगे पॉपअप खुलेगा कि यहाँ बोले, ये देखिए, ये बोला 20 सितंबर से पहले मैक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो। तो चलिए हम इसका प्रॉब्लम ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है, जो भी इसका प्रॉब्लम है। हालाँकि ये पहले ऑलरेडी सब कुछ करके रखा है, लेकिन फिर भी ये काम नहीं हो रहा है, तो किस कारण नहीं हो रहा है, अगर आपका भी कुछ किसी तरह एरर आ रहा है तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम डायरेक्ट पॉइंट में चलते हैं। तो यहाँ देखिए, आप दो तरीके से कर सकते हो मैक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, दो तरीके से। एक तो हो गया, ये वीडियो आप देखोगे, अगर आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो देखोगे, आराम से हो जाएगा। अगर इसमें नहीं हुआ है तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। साथ में दो पोस्ट आपको मिल जाएगा, आज के डेट में ये पोस्ट डाले हैं, इसमें आपको साफ साफ बताए हैं कैसे और कहाँ क्या करना है। यहाँ देखोगे इमेज के साथ भी बना दिया, और ये पुराना पोस्ट है 28 जून का। इसमें भी पहले वाला ऑप्शन, जो पहले वाला जो वीडियो बनाए वही तरीका यहाँ पर लिखा गया है, तब दोनों तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो। तो चलिए हम इसको अभी इंस्टॉल करके देखेंगे क्या प्रॉब्लम इसका दिखा रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया था, उस वही तरीका इसमें आजमाएंगे पहले वाले वीडियो में, और देखते हैं क्या एरर देखने को मिलता है। हम कमांड फॉर्म में आ जाते हैं, यहाँ देखिए, और राइट क्लिक करके रन एडमिनिस्ट्रेटर में क्लिक कर देते हैं, और ये इस तरह से खुल जाता है। उसके बाद हम आपको क्या बताए थे कि आपको कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम अपने साइट के अंदर चलते हैं, आपको भी यहाँ आ जाना है, और यहाँ ये पुराना वाला पोस्ट है, चलिए हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले ये कॉपी कर लेते हैं, cd/backslash कॉपी किए, फिर यहाँ इसका पेस्ट कर दिए, आपने इसे डाला, इंटर मारा। अब जैसे इंटर दाबोगे सी ड्राइव में जाओगे, तो चलिए फिर से उसके बाद क्या कॉपी पेस्ट करना है, ये वाला cd mac utility, चलिए इसको भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है। फिर एंटर दाबे तो यहाँ बोल रहा है कि सिस्टम कनेक्ट फेल्ड योर पाथ, तो ये बोल रहा है कि पाथ में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। पाथ में आपको, पाथ मतलब वर्बियल एनवायरमेंट, जहाँ आप लगाए थे वहाँ बोल रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो चलिए हम इसे एग्जिट करते हैं, ये प्रॉब्लम आपका आ रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना है, एग्जिट नहीं करते, इसे हम क्या करेंगे, मिनिमाइज करके रख देते हैं, क्योंकि अभी काम आने वाला है। तो आपने जहाँ सी ड्राइव में रखे वो मैक यूटिलिटी, उसे ओपन कीजिए। तो यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ एक प्रॉब्लम है कि मैक यूटिलिटी 32 बिट अगर डाउनलोड करते हो तो लास्ट में 32 बिट लिखा हुआ रहता है, तो एडिट करके उसे आप रीनेम करके हटा देना है 32 बिट। चलिए हम 32 बिट जो है हटा दिए हैं और इसे फिर से क्लिक कर दिए, मतलब सिर्फ मैक यूटिलिटी लिखा हुआ रहना चाहिए। और फिर से वर्बियल में एक बार जाके चेक कर लेते हैं क्या ये सही डाला था या नहीं डाला था, जो भी इसका पाथ है वो सही बनाया था या नहीं बनाया था। इसके लिए हम माय कंप्यूटर में राइट क्लिक करेंगे, और आप ध्यान रखिएगा आपका सिस्टम अगर 32 बिट का है तो 32 बिट मैक यूटिलिटी इंस्टॉल करना है, अगर 64 बिट है तो 64 बिट का मैक यूटिलिटी इंस्टॉल करना है। वैसे ही जावा भी आपको 32 का 32 और 64 का 64। अगर आपको सही नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आ जाओगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद देखोगे तो यहाँ डाउनलोड आपको दे दिए हैं, डाउनलोड लिंक, यहाँ देखिए 32 बिट का है ये मैक यूटिलिटी और ये 64 बिट का है। अगर आप सोचोगे यहाँ जावा नहीं है तो जावा भी यहाँ आपको डाउनलोड लिंक भी देखने को मिलता है, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे और यहाँ कहीं दे दिए हैं, चलिए आपको दिखा देते हैं। यहाँ देख सकते हो JRE फाइल, मतलब जावा फाइल, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। दोनों, दो लिंक दे दिए, मान लो एक लिंक काम नहीं करेगा तो दोनों लिंक भी क्लिक करोगे
ये डाउनलोड होगा, उसके बाद आपको दिखाई पड़ेगा कि 32 बिट डाउनलोड करना है या 64 बिट। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया, 32 का 32 डाउनलोड करना है, 64 का 64। अभी हम एडवांस सेटिंग में जाएंगे और यहाँ देखेंगे ये सही सही डाला है कि नहीं। फिर इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाते हैं, फिर यहाँ देखो ये डाला है तो सही, फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं इसका सी ड्राइव में है कि नहीं जावा फोल्डर। हम सी ड्राइव में चलते हैं, फिर प्रोग्राम में चलते हैं। थोड़ा स्लो चलेगा क्योंकि ये एनीडेक्स से लेके रखे हैं, इसलिए थोड़ा स्लो चल सकता है। अब यहाँ देखिए प्रोग्राम फाइल में हम ओपन करते हैं और यहाँ देखेंगे जावा इसका फाइल है कि नहीं। हम जे दबाते हैं, यहाँ देखिए जावा फाइल ऑलरेडी इसका यहाँ पर इंस्टॉल है। और ये राइट क्लिक करके कॉपी एड्रेस कर लेते हैं, इसे हटा देते हैं उसके बाद, और सेम टू सेम वही ये पेस्ट करके रखा है। तो अभी हम क्या करेंगे, ओके में क्लिक करके छोड़ देंगे क्योंकि ये सब कुछ करके रखा है। तो अभी हम क्या किए, सिर्फ 32 बिट रीनेम करके 32 बिट जो है हटा दिए हैं। फिर से हम चलेंगे सी कमांड फॉर्म में और यहाँ वही कॉपी पेस्ट करके डाल देते हैं जो यहाँ बताया गया है। चलिए ये रहा कॉपी किए, फिर यहाँ पेस्ट किए, एंटर दबाए, ये सी ड्राइव में ऑलरेडी पहले से था, फिर भी हम सी ड्राइव में आ चुके हैं। अब फिर से हम क्या करेंगे, ये नीचे वाला जो ऑप्शन है उसे हम कॉपी करते हैं और वहाँ पेस्ट करते हैं। हो सकता है वीडियो लंबा होगा क्योंकि हम प्रॉब्लम भी दिखा रहे हैं और इसका सोल्यूशन भी दिखाएंगे इसलिए। तो ये देखिए मैक यूटिलिटी इस बार आ गया है। ठीक है, ये मैक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पहले नहीं खुलता था, यहाँ पर सिस्टम कनेक्टेड कुछ इस तरह का एरर देखने को मिलता था, लेकिन अभी ये खुल गया है। उसके बाद जो आपको पेस्ट करना है ये वाला सर्विस डॉट बैट इंस्टॉल, तो इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है। यहाँ हम एंटर दबाए हैं, अब यहाँ देखोगे कि जे आर ई फाइल डिटेक्ट हो चुका है और यहाँ देखोगे एलिमेंट 00 मतलब जो प्रॉब्लम है वो 00 हो गया है, सर्विस रिस्टार्ट सर्विस स्टार्टेड सक्सेसफुली हो चुका है। तो बस यही थोड़ा सा आपको सेटिंग करना है, मान लो 32 बिट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आप हटा सकते हो आराम से, 32 बिट लिखा है तो 32 हटा देना है, सिर्फ मैक एक्टिविटी रहने देना है। मान लो अगर आपके पास कोई दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका समाधान कैसे करोगे वो भी हम इसमें आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो हम चलेंगे अभी कहाँ, इसे एग्जिट करते हैं। ठीक है, और अब हम चलेंगे पैन कार्ड वाले सेंटर में। ठीक है, जो सीएससी ने दे के रखा है और वहाँ रिफ्रेश करेंगे ताकि वो प्रॉब्लम जो आ रहा था 20 सितंबर वाला वो आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखिए फिर भी आ रहा है, तो अभी आप क्या करोगे, उसके बाद यहाँ जाना है और यहाँ सर्विस लिखना है। सर्विस लिखोगे फिर ये सर्विस फाइल आ जाएगा, फिर इसे ओपन करोगे कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ जो सर्विस में जाके आपको यूटिलिटी का ऑप्शन खोजना है। हम यू दबा देते हैं यहाँ पर डायरेक्ट, तो यहाँ देखोगे यूटिलिटी का जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है वो स्टार्टेड है, फिर भी वहाँ बता रहा है कि नॉट स्टार्टेड, तो हम इसे रिस्टार्ट कर देंगे फिर से एक बार रिस्टार्ट में क्लिक करके। तो ये क्या होगा, उस सिस्टम को पता चल जाएगा कि ये सर्विस जो है स्टार्ट हो चुका है, ये सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल किया हो वो स्टार्ट हो चुका है। तो अब इसको हटाते हैं और फिर से हम इसे रिफ्रेश करके देखते हैं, फिर से आ रहा है। अगर फिर भी आ रहा है तो आपको अपना सिस्टम रिस्टार्ट करना होगा। ठीक है, क्योंकि सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाया है अभी तक, तो इसलिए आपको सिस्टम रिस्टार्ट करना है। क्योंकि अभी तो आपको दिखा दिए कि सक्सेसफुली इंस्टॉल कैसे होता है, वो सक्सेसफुली का मैसेज भी आपने देख लिया है। अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक बार रिस्टार्ट करेंगे अपने सिस्टम को, और अपने नहीं सॉरी उसके सिस्टम को, और हम फिर से आपको लॉगिन करके दिखाएंगे। उससे पहले यहाँ लॉग आउट कर लेते हैं, नहीं तो क्या होगा, ये बार बार बोलेगा कि आपका पैन कार्ड सेंटर ऑलरेडी लॉगिन है। तो हम इसे लॉग आउट कर दिए, अब यहाँ इसको जो है रिस्टार्ट कर देते हैं, इस सिस्टम को रिस्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि ये देखिए रिस्टार्ट हो गया। तो यहाँ एनी अब यहाँ जो एनी डेस्क था वो डिसकनेक्ट हो जाएगा, वो भी आप देख सकते हो यहाँ, ये देखिए एनीडेक्स डिसकनेक्ट हो चुका है। आप लगभग 2 मिनट के अंदर फिर से कनेक्ट करेंगे और उसका जो प्रॉब्लम है वो जो आ रहा था 20 सितंबर तक वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अगर दूसरा प्रॉब्लम है आपका तो भी वीडियो देखते रहिए, क्योंकि हम उसका जो सिस्टम है उसके उड़ा देंगे। ठीक है, जो भी अभी इंस्टॉल किए हैं उसको उड़ा देंगे और फिर से हम आपको इंस्टॉल करके दिखाएंगे डी ड्राइव से। इस बार तो आपको दिखाए थे सी ड्राइव में आपको रखना है जो भी मैक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, मैक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है आपको सी ड्राइव में रखना है, तो सी ड्राइव में ऑलरेडी है। अभी हम आपको दिखाएंगे डी ड्राइव में रख के इसे कैसे इंस्टॉल करना है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, तब तक हम कनेक्ट करते हैं इनडेक्स। अब देखिए आप यहाँ देख सकते हो मैं फिर से कनेक्ट कर चुका हूँ इनडेक्स में, उसी का जिसका अभी काम कर रहे थे। तो चलिए हम फिर से आ गए, आप डेस्कटॉप देख के समझ जाओगे। ठीक है, स्क्रीन
चलिए थोड़ा सा लेट काम कर रहा है, ये देखिए वही बंदा है। अब हम क्या करेंगे, फिर से इसका लॉगिन करेंगे डिजिटल सेवा पोर्टल और पेन सेंटर लॉगिन करके देखते हैं क्या वो प्रॉब्लम आ रहा है। अभी भी हम पटापट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। अब देख सकते हो फिर से हम आ चुके हैं यूटीए का ऑफिशियल साइट में जो सीएससी में दिया गया है। चलिए हम इसे लॉगिन करते हैं और देखते हैं क्या 20 सितंबर वाला जो नोटिफिकेशन आ रहा था वो अभी आ रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ देखोगे नहीं आने वाला है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। सिर्फ इसका यही कारण था कि 32 बिट लास्ट में लिखा था, वही कारण था, बाकी कुछ कारण नहीं था। अब चलिए हम बताते हैं, अगर आपके यहाँ 32 बिट लिखा हुआ नहीं है फिर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है तो वो कैसे सॉल्व करना है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, साथ में वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अब चलिए हम अपना सिस्टम में जो है जो अभी ऑलरेडी काम कर रहा है उसे हम उड़ा देंगे, ठीक है, मतलब अनइंस्टॉल कर देंगे और फिर से आपको करके दिखाएंगे डी ड्राइव में। हम पहले दिखाए थे आपको फर्स्ट वाले वीडियो में सी ड्राइव में मैक यूटिलिटी रखना है, तब आप डी ड्राइव से कैसे करोगे और थोड़ा उसमें प्रोसेस ये है, लगभग कुछ चेंजिंग है, सिर्फ लिंक वाला चेंजिंग है। तो चलिए हम दिखा देते हैं आपको ये कैसे करना है। पहले तो हमको उड़ाना पड़ेगा, तो उड़ाने के लिए यहाँ कमांड में जाएंगे और यहाँ हमको टाइप करना है, मतलब अनइंस्टॉल करने के लिए हमको टाइप करना है। क्या टाइप करना है, यहाँ पर आप कभी भी अगर अनइंस्टॉल करना चाहोगे तो यहाँ पर आ जाओगे, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सॉरी इस वाले लिंक में। और यहाँ देखोगे नीचे, सबसे स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे तो यहाँ आपको दिखाया गया है कि आप इसे अनइंस्टॉल करना चाहते हो तो कैसे अनइंस्टॉल करोगे। तो यहाँ देखोगे मैक यूटिलिटी सर्विस अनइंस्टॉल डॉट बैट अनइंस्टॉल यहाँ लिखा हुआ है, तो वही आपको टाइप करना है। यहाँ देखिए जो आपका आपको यहाँ सबसे पहले लिखना है सी ड्राइव में है तो सी लिखना है, फिर कॉलम और फिर बैक स्लैश आपको दे देना है। तो चलिए हम बैक स्लैश दे दिए। अब आपको ये कॉपी कर लेना है, यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करना है। अगर आपका डी फाइल में है तो डी कॉलम स्लैश बैक स्लैश देके ये कॉपी करके पेस्ट कर देना है और एंटर दबा देना है। अब एंटर जब ही जैसे ही दबाओगे तो यहाँ बोल रहा है, ये देखिए ये डिटेक्ट कर चुका है और ये अनइंस्टॉल मतलब रिमूव भी हो चुका है सक्सेसफुली। यहाँ देख सकते हो रिमूव का ऑप्शन आ गया, ये सक्सेसफुली रिमूव भी हो चुका है। अभी हम अगर यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो ये नोटिफिकेशन जो आ रहा था वो नोटिफिकेशन दोबारा से आने लगेगा, ठीक है। तो पहले हम इसे एग्जिट कर लेते हैं, फिर जाके आपको दिखाते हैं ये काम कैसे करता है। ये ऑलरेडी रिमूव हो चुका है अनइंस्टॉल, तो हम भी क्या करेंगे इसे रिफ्रेश करेंगे और वो जो प्रॉब्लम था वो आने वाला है, शायद अभी तक डिटेक्ट नहीं कर पाया। तो चलिए हम सर्विस में जाके देख लेते हैं, वहाँ अगर शो कर रहा है तो समझ लो रिमूव नहीं हुआ है, अगर शो नहीं कर रहा है तो वो समझ लो अनइंस्टॉल हो चुका है, ठीक है, यूटिलिटी का जो यहाँ सॉफ्टवेयर था। तो चलिए हम देख लेते हैं, तो यहाँ देखोगे वो अनइंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो अनइंस्टॉल जैसे ही हो जाएगा ये यहाँ फिर से 20 सितंबर वाला पॉपअप खुलने लगेगा। तो यहाँ ये जैसे कि मैंने बोला कि सिस्टम अभी डिटेक्ट नहीं कर पाया है कि मैक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यहाँ से इस सिस्टम में नहीं है, तो रिस्टार्ट करने के बाद वो फिर से दिखाई देगा। तो अभी हम क्या करेंगे, सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे और फिर से इंस्टॉल करेंगे डी ड्राइव में और आपको दिखाते हैं वो कैसे होता है। तो आप देख सकते हो मैं ऑलरेडी जो अपना सिस्टम को रिस्टार्ट करके वापस आ चुका हूँ। अब क्या करेंगे, हम फिर से सीएससी आईडी लॉगिन करेंगे, मतलब डिजिटल सेवा का पोर्टल, और यहाँ फिर से सीएससी से जो पैन कार्ड सर्विस है उसे जाके लॉगिन करेंगे और देखेंगे क्या वो पॉपअप आ रहा है अभी भी, क्योंकि मेरे सिस्टम में अभी मैक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है। तो हम यहाँ पैन लिखेंगे और देखेंगे वो प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है नहीं है तो वो आना चाहिए, अगर रहता तो नहीं आता। चलिए हम लॉगिन करके देखते हैं और वहाँ वो प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि नहीं। तो देखने तो आप देख सकते हो यहाँ ये फिर से ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि हम मैक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है उसे अनइंस्टॉल कर दिए हैं। पहले क्या था हम यहाँ आपको दिखाए थे, यहाँ नहीं आ रहा था, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसको जो ये जो प्रॉब्लम आ रहा है मैक यूटिलिटी 20 सितंबर इसे हम ख़त्म करने वाले हैं, और इस वीडियो में जो बताए थे, ठीक है, इस वीडियो में जो बताए थे वो तरीका नहीं आजमाएंगे, कोई दूसरा तरीका आजमाएंगे। अगर इस तरीके में आपका इस वीडियो में जो तरीका बताया गया है मैक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का उसमें आपका प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ये तरीका आजमाओगे जो अभी हम बताने वाले हैं। तो चलिए क्या वो तरीका है, चलिए हम सब कुछ मिनिमाइज करते हैं और यहाँ सबसे पहले सी ड्राइव में मैक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अभी भी है इसे हम डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले इसे डिलीट करते हैं और जावा फोल्डर जो है उसे हम रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसे फिर से हमको इंस्टॉल करना होगा, इसलिए हम इसे रहने देते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। यहाँ देखिए जावा यही आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, मैक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर फिर से डाउनलोड कर लेंगे यहीं से, ठीक है। मेरा 64 बिट है, 64 बिट का डाउनलोड किए,
इस वाले वीडियो में आप सभी को बताए थे कि सी ड्राइव में रखना है मैक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लेकिन आप जो अभी देख रहे हो उस वीडियो में बताएंगे कि आप डी ड्राइव में रखोगे। तो चलिए डाउनलोड हो चुका है, हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं डी ड्राइव में। इसे राइट क्लिक करते हैं, पहले से ऑलरेडी डाउनलोड था तो चलिए हम ध्यान नहीं दिए, चलिए इसको उड़ा देते हैं। और यहाँ देखिए मैक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, राइट क्लिक करते हैं, एक्सट्रैक्ट हैरी में क्लिक करते हैं और इसे हम क्लोज करते हैं। इस पर एक्सट्रैक्ट हैरी में नहीं क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट फाइल में क्लिक करेंगे और यहाँ आपका सारा फाइल देखने को मिलेगा, आपका सिस्टम में जो भी फाइल है, तभी हम इसे डी ड्राइव में रखेंगे। तो पहले सी ड्राइव में रखे थे, अब डी ड्राइव में हम सेलेक्ट किए और एक्सट्रैक्ट कर दिए, तभी एक्सट्रैक्ट हो गया है ये और ये डी ड्राइव में गया है। तो चलिए हम डी ड्राइव खोल के देख लेते हैं एक बार। यहाँ देखिए सी उसके बाद डी, इसको ओपन करते हैं तो यहाँ देखोगे मैक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मतलब एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो जावा इंस्टॉल है मेरा पहले से, तो सिर्फ हमको क्या करना है, जावा फाइल में जाना है, ठीक है, जावा प्रोग्राम फाइल में जाना है। फिर यहाँ देखोगे जावा है, जावा ओपन करोगे, फिर यहाँ राइट क्लिक करके ये कॉपी एड्रेस करोगे, फिर आपको माई कंप्यूटर के माई सिस्टम में जाना है, यहाँ देखिए, फिर एडवांस सेटिंग में क्लिक करना है, फिर यहाँ इनवेलवेंट वेरिएबल में क्लिक करना है, फिर यहाँ देखोगे पहले से एक मेरा यहाँ ऐड किया हुआ है, इसे भी हम डिलीट कर देते हैं और फिर से न्यू में क्लिक करके यहाँ डाल देते हैं। आप वैल्यू में ये डालिएगा जो जावा वाला फोल्डर ओपन करके कॉपी किए हो, और वैल्यू नाम में आप क्या डालोगे, वैल्यू नाम में आप ये डालोगे, यहाँ पर आ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ जो भी लिखा गया है सेम टू सेम वैसे ही पेस्ट कर देना है, JRE_HOME टाइप करना है। आप सभी को पता होगा, फिर भी हम यहाँ दिखा रहे हैं जिसे पता नहीं है ये सब, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। चलिए हम इसे कॉपी कर लिए, ठीक है, और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ये रहा पेस्ट हो गया सेम टू सेम उसे, आप देखोगे स्पेस वगैरह ना रहे। अब चलिए हम इसको ओके कर देते हैं, फिर से ओके करके निकल जाते हैं, ओके कर दिए, अब निकल गए। अब आपको जावा इंस्टॉल कर लिए हैं आप, मेरा पहले से ऑलरेडी है इसलिए हम करके नहीं दिखाए। आप जावा इंस्टॉल करोगे सबसे पहले, फिर ये मैक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वेरिएबल आपको कॉपी करना है, मतलब पाथ कॉपी करके वहाँ वेरिएबल नाम देना है। चलिए हाथों हाथ दिखा के चलते हैं, पहले जावा इंस्टॉल करोगे फिर यहाँ आके पाथ डालोगे, ठीक है, JRE_HOME ये सब कॉपी पेस्ट करोगे। उसके बाद ये सब करने के बाद आपको अपना सिस्टम रिस्टार्ट करना है, और याद रहे रिस्टार्ट करना मैंडेटरी है, रिस्टार्ट करना ही होगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सिस्टम जो है पटापट डिटेक्ट नहीं कर पाता है क्या अभी आप नया इंस्टॉल किए हो, क्या अभी नया अनइंस्टॉल किए हो, क्या रन कर रहे हो अभी, ये सिस्टम को काफ़ी बार पता नहीं चलता है पटापट जल्दी से जल्दी। तो हम फिर से हमको ये सिस्टम जो है रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तो चलिए हम रिस्टार्ट कर लेते हैं एक बार। दोबारा रिस्टार्ट इसलिए करना पड़ा क्योंकि आपको दो तरीके बता रहे हैं, इसलिए दोबारा रिस्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक ही तरीके से आपका काम हो जाता है तो एक बार ही रिस्टार्ट करना पड़ेगा अपने पीसी या सिस्टम को। तो रिस्टार्ट करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, सब कुछ तो पहले ऑलरेडी करके रखे हो, सिर्फ यहाँ पर सर्च बॉक्स में लिखना है CMD, ठीक है। पहले इस वीडियो में हम क्या लिखते थे, इस वाले वीडियो में अगर आप देखे होंगे ये वाला वीडियो, तो इसमें हम लिखते थे कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, लेकिन इस बार लिखेंगे हम CMD लिखते ही सबसे पहले लिंक आ जाएगा, मतलब सबसे पहले हाईलाइट होगा, आप इसे राइट क्लिक कीजिएगा और रन एडमिनिस्ट्रेटर में क्लिक कर दीजिएगा, फिर यस का ऑप्शन आए तो यस में क्लिक कीजिएगा, इस तरह से खुल जाएगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा बढ़ा कर लेते हैं और साथ साथ में यहाँ पर आ जाते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ इसका जो भी लिंक है, जैसे कि मैं पहले बता दिया, इसका जो भी लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ये इस तरह से खोल के रखोगे आप, ठीक है। तो ये खुलने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना माई कंप्यूटर ओपन करना है, फिर डी ड्राइव में आप रखे थे मैक यूटिलिटी तो उसे ओपन करना है, ठीक है, और फिर से मैक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ओपन करना है, मतलब फोल्डर, और इसे बड़ा कर लीजिए एक बार और यहाँ क्लिक कीजिए एक बार और ये कॉपी कर लीजिए, ठीक है, यही कॉपी कर लीजिए, ये कॉपी कर लिए, फिर इसे हटा दीजिए, फिर यहाँ पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ देखिए एक स्लैश देना है, बैक स्लैश ऐसे, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो बैक स्लैश डाल दिए हैं। अब ये वाला आपको कॉपी करके डाल देना है, क्या डाल देना है, यहाँ देख सकते हो, नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यही यहाँ पर लिखा गया, लेकिन बैक स्लैश यहाँ पर नहीं है, यहाँ बैक स्लैश हम डाल दिए हैं अभी, ठीक है। तो अब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ देखोगे ये ऑलरेडी यहाँ तक हम टाइप कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद जो है service.bat install ये आपको कॉपी करना है और यहाँ के पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब आपको सिर्फ एक बार एंटर दबा देना है तो आप देखोगे ये फिर से डिटेक्ट कर लिया है और सर्विस इज स्टार्टिंग बोल के आ रहा है। अब यहाँ ध्यान से देखोगे और फिर से यहाँ देख सकते हो ये जो सक्सेसफुली
स्टार्ट हो चुका है, ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो आपको हम करके दिखाएं सी ड्राइव में कैसे इंस्टॉल करना है मैक यूटिलिटी और डी ड्राइव में किस तरह डायरेक्ट यही यहाँ टाइप करने से हो जाता है। ठीक है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूँ। तो ये इस तरह से हो गया। अब यहाँ बता रहा कि ये सर्विस जो है स्टार्ट हो चुका है, तो हम इसे एग्जिट करेंगे और देखेंगे वहाँ जाके सीएससी वाले पैन कार्ड सर्विस में कि यहाँ पर वो ऑप्शन अभी भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम इसे लॉगिन करते हैं। अब यहाँ लॉगिन करने के बाद अगर ऑलरेडी लॉगिन बोल रहा है यहाँ देखिए, तो इसे आप तीन डॉट में क्लिक कीजिए, फिर यहाँ हिस्टोरी में जाइए, हिस्टोरी में और यहाँ एक घंटा सेलेक्ट करके मतलब लास्ट घंटा यहाँ क्लियर ब्राउजर डाटा में क्लिक करोगे। अब जैसे यहाँ डाटा में क्लिक करोगे तो यहाँ देख सकते हो बोल रहा है कि लास्ट हर्स लास्ट घंटा का जो भी आप काम किए हो उसे क्लियर कर दो। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये लॉगिन स्टार्ट हो जाएगा। हम एक बार रिफ्रेश करके दिखा देते हैं, ये बोलेगा कि लॉग आउट हो चुका है, आप डाटा क्लियर कर चुके हो। ब्राउजर को पता लग गया कि ये डाटा क्लियर कर चुका है। तो हम इसे फिर से दोबारा लॉगिन करके दिखाते हैं आपको क्या वो सर्विस जो पॉपअप आ रहा था 20 सितंबर। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ख्याल आ गया, हम आपको दिखा देते हैं यहाँ जीमेल में आके। अगर आप ये काम नहीं करते हो तो बाद में इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा, बोलेगा कि कॉन्टेक्ट योर एजेंट। जी हाँ, आपका पैन सर्विस नहीं ओपन होने लगेगा। जैसे कि बहुत सारा भेली का ये सर्विस ये जो प्रॉब्लम है अभी देखने को मिल रहा है, बाद में आपका भी आ सकता है अगर ये काम नहीं करोगे। तो हम फिर से पैन सर्विस में आते हैं। ये आपको कहाँ दिखाए, ये हम अपने जीमेल में आके दिखाए, कोई सेंड किया है जीमेल में कि ये प्रॉब्लम आ रहा है मेरा। तो अगर आपने भी ये वीडियो देख रहे हो तो इसे आपको इंस्टॉल करना है मैक यूटिलिटी, तो इसे हम पैन सर्च कर लेते हैं और देखते हैं वहाँ फिर से हमें सिग्नल दे रहा है या नहीं दे रहा है। हम यहाँ क्लिक में क्लिक करेंगे, लॉगिन करेंगे और देखेंगे क्या वो प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आ जाए आपका, ठीक है, यहाँ देखिए नहीं आया। ठीक है, अगर आपका आ जाए तो आपको यहाँ पर आना है सर्विस में देखना है आपको रिस्टार्ट है कि नहीं, मतलब स्टार्ट है कि नहीं सर्विस। यहाँ पर आने के बाद आपको यूटिलिटी सिलेक्ट करना है, मतलब सर्च करना है, यू दबा देना है, ये आ जाएगा। यहाँ देखोगे यूटिलिटी पहले नहीं दिखाई दे रहा था, अब ये इंस्टॉल हो चुका है इसलिए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ देख सकते हो बोल रहा है कि स्टार्टेड, अगर यहाँ स्टॉप लिख के रहेगा तो आप इसे रिस्टार्ट कर देना, अपना सिस्टम भी एक बार रिस्टार्ट कर देना, ये काम होने लगेगा। ठीक है, तो आपको दो तरीका पता चला कैसे आपको इंस्टॉल करना है मैक यूटिलिटी। और लास्ट में जो मैं बताने वाला था कि बहुत सारा व्यूअर्स या सब्सक्राइबर जो भी बोले वो सब बोल रहा है कि मेरा इंडेक्स में लेके कर दो या फिर मेरा जो कॉल कर रहे हैं उसका जवाब दीजिए, मेरा रिसीव कीजिए। तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब बहुत सारा लगभग सैकड़ों कॉल आता है एक दिन में, और कितनों का हम जवाब देंगे और कितनों को हम इंडेक्स में करके दिखाएंगे या कर देंगे, बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा, मेरा काम जितना है सो रुक जाएगा। इसलिए हम इंडेक्स में करके नहीं दे सकते एक एक करके, इसलिए हम वीडियो बना के डाल दिए हैं। आप दोनों तरीका एक बार आजमाओगे 100% आपका ये काम होने वाला है। और एक चीज़ बता दूं जाते जाते, अगर आप लास्ट तक वीडियो में हो तो देखिए पीएससी का आईडी हम बांट रहे हैं। अगर पीएससी का आईडी लेना है, मतलब बांट रहे मतलब क्या, सॉरी थोड़ा गलती हो गया, पीएससी आईडी आपको लेना है जो यूटीआई का ऑफिशियल साइट है, वहाँ से पैन कार्ड अगर आपको बनाना है तो यूटीआई का पोर्टल लेने के लिए आप हमसे इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हो जो आप डिस्प्ले में देख रहे हो। आईडी का दाम लेंगे 99 रुपीज दाम लेंगे और लगभग 10 मिनट के अंदर आपका चालू हो जाएगा। 10 बजे के बाद, रात 10 बजे के बाद अगर आप पेमेंट करते हो, 9 बजे के बाद सॉरी, तो आपको सुबह आईडी मिलेगा। अगर सुबह कभी भी पेमेंट करते हो और स्क्रीनशॉट भेजते हो, अपना पूरा एड्रेस भेजते हो, तो आपको 10 मिनट के अंदर इसका आईडी पासवर्ड देंगे और यहाँ से आप पेन अप्लाई कर सकते हो आसानी से। इसमें मैक यूटिलिटी का जो सिग्नल आता है 20 सितंबर वो आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो बस वीडियो बहुत लंबा हो गया, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाना, और भी इसी तरह की जानकारी चाहिए तो चैनल से जुड़ सकते हो। तो मिलते फिर एक नए वीडियो में नेटिव के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।